नमस्कार, मैं सुमन बंसल आपका अपने शो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, पहले तो मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद करूँगी। धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ रहा है और मेरी भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेके आऊँ। लेकिन इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मुझे उनसे बस एक ही शिकायत है कि वो आलसी बहुत हैं। जी हाँ, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब ये काम जरा कम ही करते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में सब पता लग जाता है। मैं कमेंट बॉक्स में भी देखती हूँ कि मुझे कितने कमेंट आते हैं। हालांकि जानकारी भले ही कितनी अच्छी हो, लेकिन इतने आलसी हैं कि कमेंट तक नहीं करते। देखिए, जब मैं आप लोगों से अक्सर मिलने के लिए आती हूँ, आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज शेयर करती हूँ, बातें करती हूँ, तो बदले में मुझे भी तो चाहिए ना कि आप लोग भी कुछ रिस्पांस करें, आप लोग भी कुछ बोलें, आप लोग भी कुछ बात करें। लेकिन आप लोग तो बात ही नहीं करते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लाइक से बात कीजिए, आप शेयर करके बात कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बात कीजिए और प्लीज़ कमेंट से बात कीजिए। आप बात कीजिए, आप बात नहीं करेंगे तो फिर मैं बात कैसे करूँगी, मैं कब तक अकेली बात करती रहूँगी। तो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि नेगेटिव एनर्जीज को चेक करने के लिए कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है और उसको रिमूव करने का टाइम आ गया है, वो आप खुद घर पे कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक डाउजिंग का जिक्र किया था सुई धागे से। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि डाउजर होता क्या है। ये देखिए, ये एक पेंडुलम डाउजर है। एक्चुअली डाउजर ऐसा होता है, ये नीचे इसके क्रिस्टल का ये डाउजर है और इसमें ये ऐसी चेन होती है और यहां से ये देखिए कि इसको पकड़ा जाता है ऐसे करके, ठीक है। ये डाउजर है। डाउजर बाजार में बहुत तरह के होते हैं, बहुत आजकल तो डिजाइन भी आ गए हैं और बहुत सुंदर होते हैं। और यह है हमारा भारत का सबसे प्राचीन डाउजर है, सबसे प्राचीन। और इसमें तो पकड़ने के लिए ये छोटा सा एक मोती है, आप देखिए, है ना। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो इन्हीं माध्यमों से, डाउजिंग बहुत प्राचीन विद्या है, ये कोई आज की चीज नहीं है, बहुत प्राचीन समय से ही इसका इस्तेमाल होता रहा है। बोला जाता है कि पहले जल के संसाधनों की खोज इसी के माध्यम से की जाती थी। देखिए, मतलब उनकी क्या टेक्निक रही होंगी, और पानी तक वो खोज कर और जमीन जब खोदते थे तो निकल आता था, ये राइट आंसर देता था। हजारों सालों से अब हम, क्योंकि अंग्रेज हो गए हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे हैं, तो हमने इन चीजों को देखना बंद कर दिया है, मानना समझना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न में तो इसके साथ इतना काम किया जाता है, उन्होंने इसको इतना मॉडिफाई कर लिया है, इतना कुछ इस क्षेत्र में उन्होंने, मतलब आगे रिसर्च कर करके इसमें इतनी परफेक्शन कर ली है कि बहुत से लोग हैं जो पूरी लाइफ डाउजर से ही अपना सोर्स ऑफ इनकम है उनका, कि वो डाउजिंग से ही सारा काम करते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और लेकिन इसमें मुख्य बात क्या होती है डाउजिंग में, मुख्य बात होती है आपका विश्वास। जी हाँ, श्रद्धा, विश्वास, आपके इंटेंशंस और आप उसकी कितनी केयर करते हो। कोई भी विद्या है वो आपके केयर करने पर चलती है कि आप उसकी कितनी केयर करते हो, कदर करते हो, आप उसके साथ कितना कनेक्टेड हो, आप उसको अपने लिए, आप उसको अपना कितना समय दे पाते हो। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बाजार से ले आएंगे तो अच्छी बात है, उसके बाद आपको इसके साथ काम करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको शुद्ध करेंगे, क्योंकि ये पता नहीं किन किन लोगों के हाथ से होकर आया हुआ होता है और कौन कौन लोग इसको यूज करते हैं, क्या इसमें एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, तो ये सही से फिर वर्क नहीं करेगा। तो इसको प्योर करना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि मैम इसको कैसे प्योर करना है, तो प्योर करने के लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हैं। या तो आपके घर में कोई भी होली वाटर होगा, किसी भी तीर्थ स्थान का पवित्र जल होगा, गंगा जल होगा, कुछ भी होगा, आप उसमें इसको डिप कर दीजिए और इसको रात भर पड़ा रहने दीजिए।
उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप एक बोल में साधारण पानी लीजिए और उसके अंदर नमक डालिए और नमक में आप इसको पूरी रात के लिए डिप कर दीजिए और विश कीजिए परमात्मा को याद करते हुए कि मैं एक छोटा सा ये इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हमें दैवीय संदेश प्राप्त होते हैं। जब हम ईष्ट के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो वह एक दैवीय कार्य हो जाता है और हमें बहुत अच्छे आंसर मिलते हैं। तो ईष्ट को प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, इसमें जो कोई भी ऐसी एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो आप वो नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से क्लीन कर दें। तो रात भर इसको डिप रहने दीजिए, उसके बाद सुबह आप उठकर इसको वॉश कर सकते हैं। और अगर गलती से आप भूल गए हैं, 24 घंटे भी पड़ा रह गया है, तो कोई चिंता की बात नहीं, आप पड़ा रहने दीजिए। इट मीन्स अभी इसको और क्लींजिंग की जरूरत है। तो इसको क्लीन करने के बाद आपने इसको रनिंग वाटर में, बहते हुए पानी में आपने इसको बिल्कुल साफ कर लेना है। खूब अच्छे से इस पर पानी चलने दीजिए। उसके बाद जब ये क्लीन हो जाएगा तो आप इसको एक दिन की धूप दिखाइए, ताकि इसके अंदर कुछ भी संभावना शेष ना रहे गंदगी की, दूसरों के स्पर्श की, दूसरों की एनर्जी की। तो आप इसको धूप में पड़ा रहने दीजिए और प्रकृति के माध्यम से, प्राकृतिक तरीके से आप इसको क्लींस भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी हर चीज को चार्ज करती है, हर चीज को क्लीन करती है, हर चीज को एनर्जाइज करती है, प्राण डालती है। तो सूर्य की रोशनी का संपर्क इन चीजों में बहुत जरूरी होता है। तो आप इसे सूर्य की रोशनी में रखिए, इसको चार्ज होने दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डाउजर को ले जाकर फिर अपने मंदिर में रखेंगे, अपने ईस्ट के सामने रखेंगे और उनसे प्रेयर करेंगे कि अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर जानने में आप मेरी मदद करें और इसको आप अपनी कृपा से चार्ज करें। और अगर आपको कुछ और भी करना है तो आप ऐसा कीजिए कि आप इस हाथ में लीजिए और राइट हैंड इस तरीके से ऐसे करके आप इसको अपने ईष्ट के सामने आंखें बंद करके बैठ जाइए और प्रार्थना कीजिए। आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके ईष्ट जो हैं आपके इस डाउजर पर आप पर कृपा कर रहे हैं। और जितनी देर आप बैठ सकते हैं, अगर आप कोई मंत्र जानते हैं, पूजा करते हैं, जो आपका फेवरेट मंत्र है, आप वह चैंट करते रहिए। जब तक आपको अच्छा लगता है आप इसको लगातार चैंट कीजिए, और जब आपको लगे कि हो गया तब आप इसको उठा लीजिए। और इसको आपकी एनर्जी के साथ हो सकता है कनेक्ट होने में कुछ टाइम लगे, तो चिंता की बात नहीं, आप लगे रहिए और एक दिन आपको समझ आ जाएगा कि ये आपके साथ कनेक्ट हो गया है और बिल्कुल सही जवाब देता है। उसके बाद इसको प्यार से आप अपने पास रखिए। मतलब ये नहीं है कि आप इसको 24 आवर्स अपने पास रखेंगे, क्योंकि हम अच्छी बुरी हर जगह जाते हैं। और इसको मतलब मंदिर में एक छोटी सी डिबिया, मैं आपको मेरे पास नहीं पड़ी है, छोटी सी नन्ही सी मेरी डिबिया है जिसमें बस डाउजर ही आता है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। ये देखिए, ये दोनों मेरे डाउजर एक साथ रहते हैं, उस एक डिबिया में दोनों आ जाते हैं। तो ये इस तरह से पड़े रहते हैं और उसमें मैंने नीचे बड़े प्यार से कॉटन भी बिछाई हुई है और मैं इनको बहुत पारी करती हूँ। और जब मुझे इससे कुछ पूछना होता है डाउजर से, मैं अपने ईष्ट से प्रार्थना करती हूँ और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ईष्ट जो हैं मुझसे और मेरे डाउजर से कनेक्टेड हैं और जो प्रश्न मैं जानना चाहती हूँ वह मुझे आंसर दे रहे हैं। और यस और नो का तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया ही था कि हम कैसे निर्धारण करेंगे, कि ज्यादातर डाउजर यस नो के लिए ही काम आता है। आगे इसमें फिर बहुत सारी और चीजें हैं, अगर आप आगे स्तर पे जाना चाहते हैं तो इसे जानने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए बहुत समय भी चाहिए होता है, लेकिन ये मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। इसके यस को आप कैसे समझेंगे, यस को आप ऐसे समझेंगे, ऐसे यस को आप जैसे हम अपना गर्दन आगे की तरफ हिलाकर बोलते हैं ना, हाँ, तो यस इसकी ये समझेंगे। नो कैसे समझेंगे, जब हम इधर से उधर गर्दन हिलाते हैं, नो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डाउजर आंसर ही नहीं देना चाहता, तो ऐसे में आप परेशान ना हो, आप ये मत सोचें कि ये वर्क नहीं कर रहा है, ये सही नहीं है या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी इसकी मर्जी होती है, ईष्ट की मर्जी है, हमें वो उत्तर देना चाहे तो दे, नहीं तो ना दे।
कभी कभी हम खुद भी बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, हमें भी आंसर नहीं मिलता। तो ऐसे में हम फिर उस चीज को वहीं छोड़ देते हैं, लगते हैं कि फिर हम यही समझते हैं कि लगता है कि अभी इस बात को जानने का समय नहीं आया। और फिर जब हमें दोबारा इंटेंशन होती, ऐसी इंट्यूशन होती है कि अब चेक करना चाहिए, तो फिर हम तभी इसको टच करते हैं और जवाब आ जाता है। तो अगर ये आपको यस कर रहा है या नो कर रहा है इस तरीके से, तो आपको उस उत्तर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उत्तर ना तो डाउजर दे रहा ना आपके सबकॉन्शियस माइंड। कई लोग बोलते हैं जो आपके माइंड में होता है वही आता है। नहीं, उत्तर जिस शक्ति को आपने बुलाया है, जो शक्ति इसके साथ कनेक्टेड है, उत्तर वही देती है। अब आपको इससे कैसे काम लेना है, सिर्फ आपको यहां से पकड़ना है और बिल्कुल अपने हाथ को आप बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं देंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये यस और नो देने लगा, ये जवाब देने लगा। तो आशा करती हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से आप अपनी चीजों की एनर्जी को जानेंगे। और कभी कभी इसका मूड भी बदल सकता है। तो ये यस नो का आंसर कैसे देता है, मैं आपको मूवमेंट करके दिखा रही हूं कि अगर किसी चीज की एनर्जी अच्छी है तो ये क्लॉकवाइज खूब घूमता है, बहुत घूमता है क्लॉकवाइज, यानी यस यस यस, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। और कभी कभी जब इसका मूड होता है तो ये नो का जवाब कैसे देगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नो, स्ट्रांगली नो। ठीक है, तो अगर उत्तर चेंज हो जाए तो आप परेशान मत हो, मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज यस और एंटी क्लॉकवाइज नो है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खूब कीजिए और छोटी छोटी चीजों के जो यस नो वाले आंसर हैं खुद ढूंढिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।